सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग HTML, CSS एंड JavaScript को यूज़ करके OTP जनरेट करने का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी HTML लिख देते हैं एंड यहाँ पर टाइटल दे देते हैं इसको OTP जनरेटर। यहाँ पर हम लोग एक CSS फाइल भी लिंक कर देंगे जिसका नाम है style2.css। नाउ अब हम लोग एक div टैग के अंदर एक बटन बनाएंगे, लेट्स बटन की जो आईडी है, बटन की क्लास दे देते हैं, क्लास जो है वो btn है एंड एक फंक्शन कॉल होगा बटन पे क्लिक करते, तो उस फंक्शन का जो नाम है वो हम लोग रख देते हैं OTP। सो ऑन क्लिक इक्वल्स टू OTP। सो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग जनरेट OTP। नाउ अब हम लोग एक H1 टैग बनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं OTP एंड इसकी जो आईडी है वो है शो OTP। बेसिकली इस H1 टैग को यूज़ करके हम लोग OTP को डिस्प्ले कराने वाले हैं स्क्रीन पर। अब हम लोग स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करके कुछ जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करते हुए OTP फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग है जैसे कि वेयर डिजिट्स नाम से एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम लोग 0 से 9 तक की डिजिट्स को स्टोर करेंगे। बेसिकली इन डिजिट्स को यूज़ करके हम लोग OTP जनरेट करने वाले हैं एंड यहाँ पर वेयर OTP इक्वल्स टू एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे, वेयर आई इक्वल्स टू 0, i <4, i++। अब हम लोगों को डिजिट्स के ऊपर दो फंक्शन को रन करना है। सबसे पहले हम लोग रन करेंगे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को एंड उसके बाद रन करेंगे हम लोग मैथ डॉट फ्लोट फंक्शन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिट्स, सबसे पहले मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन 0 से 1 के बीच में एक रैंडम डिजिट जनरेट करके देता है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जो हमारी वैल्यू जनरेट होगी वो अब होगी 1 से 10 के बीच में। अब 1 से 10 के बीच में एक डेसिमल वैल्यू भी जनरेट हो सकती है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का। अब जो हमारे पास वैल्यू जनरेट होकर के आएगी वो एक सिंगल डिजिट इंटीजर होगी जो कि OTP में स्टोर हो जाएगी। अब जैसा कि ये जो लूप है वो 4 बार चलेगा तो हमारे पास एक 4 डिजिट की एक स्ट्रिंग जनरेट होकर के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी जो है वो H1 की है शो OTP डॉट इनर HTML इक्वल्स टू OTP। सो बेसिकली जो हमारा OTP यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा वो हम लोग H1 टैग के अंदर अपडेट कर देंगे। अब मैं इसको सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब मैं जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। जो हमारा OTP है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब मैं इस पर 2-3 बार और क्लिक करता हूँ। हमेशा जो OTP है वो डिफरेंट डिफरेंट होके जनरेट होता है हमारे पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।